नगर पालिका निगम दुर्ग में कार्यरत 10 कर्मचारियों को निगम आयुक्त प्रकाश सर्व ने दशहरा व दिवाली के पूर्व कर्मचारियों को पदोन्नति कर सौगात दी है। पदोन्नत होने वाले 10 कर्मचारी अब सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक राजस्व निरीक्षक कहलाएंगे। सफाई कामगार और लाइनमैन से सहायक राजस्व निरीक्षक एवं सहायक ग्रेड 2 राजस्व निरीक्षक पद में पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारी में सतीश कुमार मिश्रा, वंदना श्रीवास्तव, भुवन दास साहू, गणेश यादव, शांता सोनी, चंदेश बख्शी, परमेश्वर, मोहम्मद अतीम, गोविंद्र तिलक शामिल है। महापौर बाकलीवाल ने पदोन्नति कर्मचारियों को अपने कक्ष पर प्रमोशन लेटर वितरण किया, साथ ही सभी को मिठाइयां खिलाई। महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त प्रकाश सर्व एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पदोन्नति कर्मचारियों को बधाई दी है। कर्मचारियों ने आयुक्त से मुलाकात कर पदोन्नति के लिए आभार व्यक्त किया। आज बहुत ही खुशी की बात है कि लगभग जो 30-25 साल से हमारे कर्मचारी लोग जिनकी पदोन्नति होना था बहुत दिनों से लंबित थी, आज 10 कर्मचारियों की हमारी पदोन्नति हुई है। और जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे शिव डहरिया जी, हमारे दुर्ग शहर के विधायक अरुण गोरा जी, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। और हमारे कर्मचारियों जिनकी आज पदोन्नति हुई है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। इस पदोन्नति के लिए श्रेय आपको दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत दिनों से लंबित थी जिसको लेके हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे और आज ये मांग इनकी पूरी हुई। मैं आयुक्त महोदय को भी बधाई दूंगा इस विषय में। पदोन्नति हुई है, कैसा कुछ मामला था? पिछले 34 वर्षों से जिनके प्रमोशन, जिनका पूरा जीवन निकल गया नगर निगम में सेवा करते, वो किसी ने उनकी सुध नहीं ली। अभी इस कार्यकाल में हमारे महापौर जी के साथ में उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम किसी भी हालत में अपने लोगों के लिए इस कार्य को हमको करना ही है। और मैं सामान्य प्रशासन विभाग से हूँ, अतः मेरे को उन्होंने सीनियरिटी के हिसाब से लिस्ट बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए, कराने के लिए इस काम को हम लोगों ने अंजाम दिया। और आज का श्रेय आप महापौर को दे रही हैं जी, तो क्या मानते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नियत साफ है और उन्हीं के निर्देशन पर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसके पहले क्या समस्या थी, क्यों इतने सालों से अटका हुआ? अब ये इच्छा शक्ति है, होना चाहिए अपने कर्मचारियों के प्रति, जिन्होंने सारा जीवन अपना इसमें दिया, इसकी सेवा में, तो उनके लिए तो ये होना ही चाहिए था। आप किस लिए नहीं ली, अब वो जाने। पर हमारे महापौर जी, हमारी कांग्रेस की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, सभी चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय ना हो। यदि उनका हक बन रहा है तो उनको ज़रूर मिले। आपका पूरा परिचय? मैं सामान्य प्रशासन विभाग प्रभारी जयश्री जोशी।